नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो योगी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं एस्ट्रो सोनिया। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर का महीना व्रत और त्योहारों का महीना कहा जाता है। इस महीने में ही शारदीय नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ, दिवाली जैसे बड़े बड़े तीज त्योहार मनाए जाते हैं। इस साल 18 सितम्बर से 16 अक्टूबर तक अश्विन अधिक मास होने की वजह से इस बार 2 अश्विन मास होंगे, जिसके चलते नवरात्रि, दशहरा, दिवाली के त्योहार 17 से 18 दिन आगे खिसक गए हैं। इस बार नवरात्रि 17 अक्टूबर से प्रारंभ होगी, दशहरा 25 अक्टूबर को और दिवाली 14 नवंबर को है। ऐसे में हम आपके लिए साल के आखिरी तिमाही के पहले चरण यानी अक्टूबर का राशिफल लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम आपको आने वाले 30 दिनों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे और बताएंगे कि करियर, हेल्थ, वेल्थ, लव, मैरिज, फैमिली के मामलों में ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। इसके अलावा ग्रहों की चाल, आपके हालात बदलेगी या नहीं, इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही साल 2020 में आने वाले प्रमुख त्योहारों के बारे में और राशि अनुसार किए जाने वाले उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राशि चक्र की 12 राशियों के मासिक राशिफल के बारे में। उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो योगी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं एस्ट्रो सोनिया और हम बात कर रहे हैं राशिफल अक्टूबर 2020 की। इस क्रम में बात करेंगे कालचक्र की आखिरी राशि यानी 12वीं राशि मीन के बारे में। तो कैसा रहेगा मीन राशि के लिए अक्टूबर 2020, आइए जानते हैं। गुरु आपसे मिलने आ सकता है, आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, आपको कोई उच्च पदवी प्राप्त हो सकती है, आप कोई एनजीओ के हेड बन सकते हैं, स्कूल या कॉलेज के हेड बन सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं और आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति यश के साथ हो रही है। तीर्थ यात्रा आप कर सकते हैं, भाग्यवश जो काम आपके रुके हुए थे वो पूर्ण होंगे अक्टूबर 2020 में। मीन राशि वालों के लग्न और दशम के स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति और गुरुदेव बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं आपकी कुंडली के दशम स्थान से यानी धनु राशि में और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। दशम स्थान हमारे कर्म का स्थान होता है। ये गुरु आपको अच्छा समय दे रहा है अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, संतान के साथ समय बिताने का। उसके साथ साथ आपके लव रिलेशंस जो है वो भी बहुत गहरे होंगे। दोस्तों, जिनके पास नौकरी नहीं है वो जरूर प्रयास करें अक्टूबर में, क्योंकि एक सुंदर योग व्यवसाय का, जॉब का बना हुआ है मीन राशि वाले जातकों के लिए। मामा मौसी के संबंध में आकर या उनके कर्म करके आपको कीर्ति प्राप्त हो सकती है। उसके साथ साथ यदि आप टीचिंग जॉब में जाना चाहें तो उसके भी रास्ते खुले हैं मीन राशि वालों के। मीन राशि वालों के एकादश और द्वादश घर के स्वामी हैं शनि और शनि आपके एकादश स्थान में विचरण करेंगे मकर राशि में मार्गी होंगे। तो व्यवसाय के लिए बहुत सारी मीटिंग्स आप अटेंड करेंगे, अपना नेटवर्क सर्कल को बढ़ाएंगे, लोगों को व्यवसाय के लिए जोड़ेंगे अपने साथ और उनके साथ उनके व्यवसाय के लिए जोड़ेंगे। विचारों का आदान प्रदान होगा जिसमें प्रोफेशनली रिलेटेड नॉलेज जो है उसका एक्सचेंज होगा। बड़े भाई बहन का कोई कर्म आप कर सकते हैं, बड़े भाई बहन के साथ जॉइंट वेंचर आप इस्टैब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों, शनिवार को तेल का दान करने से और साथ में ओम शम शनिश्चय नमः का पाठ करने से व्यवसायिक रास्ते खुलते हैं आपके लिए। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, शुगर, बीपी आदि से बचने के लिए आप योगा करें, व्यायाम करें, थोड़ा सा बीच में अपनी वाणी को थोड़ा सा संयम दें,
बोलने से पहले सोचें तो आप पर विशेष कृपा हनुमान जी की बनी। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी कि बीपी शुगर आदि से बचे मीन राशि वाले लोग। दोस्तों, मीन राशि जल तत्व राशि है, इस कारण से जब मंगल आपके लग्न से भ्रमण करेंगे तो इमोशनल एंगर या गुस्सा आपको आ सकता है, जो आपकी माता पे, आपकी गृहस्थी पे, आपके पति पे, पत्नी पे, आपके ससुराल वालों पे निकल सकता है। तो कोशिश कीजिए कि इस ऊर्जा को, इस अग्नि को आप शांत करें और इसका सदुपयोग करें, व्यायाम करके, स्पोर्ट्स करके, स्पोर्ट्स खेल के, और लोगों के साथ बात करने से पहले दो बार सोचें तो आप इसका सदुपयोग कर पाएंगे। मीन राशि वालों के तीसरे स्थान में राहु भ्रमण करेंगे वृष राशि में, और नवम स्थान में यानी वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे। इसलिए छोटे भाई बहन का कर्म अगर आप करेंगे तो आपको धन यश की प्राप्ति होगी। उसके साथ साथ ज्वाइंट बिजनेस आप अपने भाई या बहन के साथ कर सकते हैं, आप यात्रा संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं। मीन राशि वालों को अगर हॉबीज कोई आपने डेवलप की हुई है तो उसको आप प्रोफेशन में बदल सकते हैं। मीन राशि वाले जातक इन दिनों में दीक्षा ले सकते हैं, किसी आश्रम में काम कर सकते हैं, अपनी सेवाएं लोगों को दे सकते हैं। मीन राशि वाले जातक पढ़ने के लिए विदेश जा सकते हैं, पीएचडी यदि आप करना चाहें तो किसी भी टेक्निकल फील्ड में, कंप्यूटर में, आईटी में या किसी भी ऐसी कोडिंग में आप पीएचडी भी कर सकते हैं। दोस्तों, मीन राशि वालों के छठे स्थान के मालिक है सूर्य। हालांकि सूर्य जब छठे स्थान के मालिक होते हैं तो हर प्रकार का रोग दोष हर लेते हैं, पर यहाँ पर वो सप्तम और अष्टम स्थान से भ्रमण करके छठे स्थान का मालिक होकर के, तो इस कारण से आपको खास ध्यान रखना है कि पति पत्नी को कोई रोग ना हो, उसके साथ साथ व्यवसाय में नुकसान ना हो या जॉब में कोई ऐसी विपदा ना आए जिसके कारण से उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़े। आईसाइट जरूर टेस्ट कराएं मीन राशि वाले बच्चे, उनके चश्मे का नंबर बढ़ सकता है। टेक्निकल फील्ड में पीएचडी करने का सुंदर योग बना हुआ है मीन राशि वालों की पत्नियों में। बुधवार को हरी वस्तुओं का, हरी सब्जियों का दान करें और गाय को चारा खिलाएं। दोस्तों, शुक्र आपकी कुंडली के तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी हैं और ये भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली में सप्तम स्थान से। तो यदि कोई भी लड़के या लड़की का प्रस्ताव आता है तो जरूर उसकी ठीक से छानबीन करें। किसी भी पैसे से रिलेटेड स्कैंडल से बचें, किसी भी गलत संगत से बचें, किसी भी तरीके की अनैतिक संबंधों से आपको बचना है। इनलीगल एक्टिविटीज के कारण अपयश प्राप्त हो सकता है, भारी नुकसान हो सकता है, बिना पढ़े कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, 17 अक्टूबर से शुरुआत हो रही है नवरात्रि की, तो हम सब पर अपनी विशेष अनुकंपा बरसाने आ रही है माता रानी। तो मीन राशि वाले करें आराधना माँ लक्ष्मी की, तो उनकी सभी विपदाएं माता लक्ष्मी हर लेगी, सफलता के, धन के, यश के, कीर्ति के रास्ते और द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। आशा करते हैं आपको हमारा ये राशिफल पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। दर्शकों, ये राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। यदि आप अपनी कुंडली का विस्तार पूर्वक अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस स्क्रीन के नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं। Astro Yogi, India's number one live astrology app.